पिलामाने आजिर अध्याय को तुम मानको स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणी विज्ञान बहीर अष्टम अध्याय परिस्थान विषय पढ़वा। पिलामाने ताहले परिस्थान कहले आम कौन बुझे? परिस्थान कहले उद्भिद और प्राणी मानकर बासस्थान और तार चतुर्पार्श्व को बुझाई थाए। एही परिस्थान परिवेशर एक अंश विशेष। यह जीवजंतु मानकु खाद्य बासगृह और उपयुक्त जलवायु जगह थाए। उदाहरण स्वरूप जंगल गोटे परिस्थान, पोखरी बा गाड़िया गोटे परिस्थान, मरु बरफावृत अंचल गोटे परिस्थान एवं मरुभूमि गोटे परिस्थान। एही परिस्थान दुई गोटी उपादान बा कारक को नहीं गठित, यथा जैविक कारक और अजैविक कारक। वर्तमान ताहले आमे जानिबा एही जैविक कारक कौन। आमे जानिचे जीव आउ परिवेश मध्ये संपर्क अति निबिड़। जीव परिवेशरु खाद्य जल एवं अन्यान्य आवश्यक पदार्थ ग्रहण करि ता मध्यकु निज शरीर अदरकारी पदार्थ को छाड़ी थाए। एही परिस्थान रे जीवर वृद्धि विकास और विलय होइथाए। एही जैविक कारक को तीन भाग रे भाग कराछि। प्रथम हैला उत्पादक बा सबुज उद्भिद, द्वितीय हैला भक्षक बा प्राणी, तृतीय हैला अपघटक बा केतेक जातिर मृत भोजी अणुजीव। प्रथम जैविक कारकटी है उत्पादक बा सबुज उद्भिद। सबुज उद्भिद निजपाई एवं समग्र जीवजगत पर खाद्य प्रस्तुत करथिवारु बा खाद्य उत्पादन करथिवारु ताहाकु उत्पादक कहा जाए। तृतीय जैविक कारकटी है भक्षक बा प्राणी। प्राणी माने उद्भिद जात खाद्य पदार्थ खाई बंची थे, तेणु तक भक्षक कहा जाए। तृतीय श्रेणी जैविक कारकटी है अपघटक बा केतेक जातिर मृत भोजी अणुजीव। यही अणुजीव मैंने अति क्षुद्र, से मैंने खाली आखिर आम को देखा जाती ना। केतेक जातिर अणुजीव अच्छा जो मैंने कि मृतजीवी बा परभोजी भाव से परिस्थान निजर खाद्य संग्रह करती। विशेषतः मृतभोजी अणुजीव मैंने यथा बीजाणु और कवक मैंने जीव शरीर खाद्य संग्रह करी परिवेश को जबक्षारजान, अम्लजान और अन्यान्य पोषक पदार्थ त्याग करती। ताहाकु पुनर्बार उद्भिद माने व्यवहार करी निजर वृद्धि और विकास रे लगांती। तेणु मृतभोजी अणुजीव मानको अपघटक बोली कहा जाय थाए। वर्तमान आम अजैविक कारक गुड़िक विषय जानिमा। आलोक, तापमात्रा, जल, वायु, मृत्तिका और निया एही गुड़िक होछन्ते अजैविक कारक। आम जानिचे उद्भिद माने आलोक श्लेषण प्रक्रिया रे आलोक शक्ति को खाद्य बा रासायनिक शक्ति रे परिवर्तित करिथांती। एही खाद्य उपरे समग्र जीवजगत निर्भर करिथांती। पुणी आलोकर तीव्रता और अवधि सहित मृत्तिका, जल, वायु इत्यादि मिसी गोटे परिस्थान जंगल हेब कि मरुभूमि हेब कि तृणभूमि हेब ताहा निर्णय होइथाए। जेउं स्थान रे आलोकर तीव्रता और अवधि अधिक होइथिबो, तापमात्रा अधिक होइथाए एवं जल अधिक थाए सेठारे घंच अरण्य सृष्टि होइथाए। जेउं स्थान रे आलोकर तीव्रता और अवधि मध्यम धरण थाए, तापमात्रा मध्यम मध्यम धरण थाए एवं जल आवश्यक अनुपात रे थाए सेठारे तृणभूमि सृष्टि होइथाए। जेउं स्थान रे आलोकर तीव्रता और अवधि अधिक मात्रा रे होइथाए, तापमात्रा अधिक थाए एवं जल खूब कम परिमाण थाए बा आदौ न थाए सेठारे मरुभूमि सृष्टि होइथाए। आमे जानिचे मनुष्यर प्रथम वैज्ञानिक उद्भावन हला निया। ए नियार व्यवहार जानला परे मनुष्य खाद्य पदार्थ को पोड़ी खाइबा सिखिला एवं जंगल रे निया लागिगले घंच अरण्य निमिषक मध्यरे धूलिसात हो जाए, हजार हजार जीवजंतु लोप पाई जाती, सेठारे मरुभूमि सृष्टि होइथाए। तेणु नियाकु अजैविक कारक भाव में निया जाय थाए। गोटे आम गोटे परीक्षा करवा, गोटे कुंडरे गोटे सप्तभिणी गच्छ नेबा, आउ गोटे कुंडरे गोटे मल्ली गच्छटे नेबा। उभय गच्छर माटी उपरकु जेउठारे गच्छ थाए ता चारिपटे पलिथिन रे बांधि देबा एवं कुंड दुइटिकु किछि समय खरारे रखिबा। कौन देखिबा एथिरु आमे ना जेउं गच्छरे जेउं पलिथिन टी सप्तभिणी गच्छ चारिपखरे बंधा जाइथिला तारि भितरे टिके टिके अल्प अल्प जलबिंदु लागिथिबो बा आदौ लागिनथिबो, किंतु जेउं पलिथिन टी
मल्ली गछ चारिपटे बंधा जाइथिला सेथिरे अधिक जलबुंदा लागिथाय। एथिरो आमे जानिले जे मरुज उद्भिद उच्छेदन प्रक्रिया रे खूब कम जल त्याग करिथाय बा आदौ करि नथाय। काहेकि ना मरुभूमि रे उद्भिदर जल संरक्षणर आवश्यकता रहिछि, तेणु मरुज उद्भिदर पत्र गुड़िक रूपांतरित होकि कंटारे परिणत होइ जाइथाय। ताहार कांड मध्य जल संरक्षण करबा पई मांसल होइथाय, ता भितर जल संरक्षण होकि रही थाए। यह हेउछि उद्भिदर गोटे रूपांतरित कांड। परिवेशर अवस्था और आवश्यक पदार्थर परिमाण को लेकिन परिस्थान को दुई भाग में विभक्त करा जाए, यथा स्थलीय परिस्थान और जलीय परिस्थान। मरुभूमि, तृणभूमि, जंगल इत्यादि स्थलीय परिस्थानर उदाहरण। नदी, ह्रद, पोखरी, गाड़िया एगुड़ा सब जलीय परिस्थानर उदाहरण। परिस्थान रे जलर परिमाण अनुसार उद्भिदर जीवनशैली और गठन रे अनेक परिवर्तन देखा जाय थाए। एठारे आलोक, तापमात्रा, मृत्तिका और वायु भली अजैविक कारकर भूमिका मध्य गुरुत्वपूर्ण अटे। परिस्थान अनुसार उद्भिद मानक तीन भाग व्यक्त करता मरुज उद्भिद, आर्द्रभूमिज उद्भिद और जलज उद्भिद। वर्तमान आम मरुज उद्भिद कौन जाणी। मरुभूमि खूब कम वर्षा होती यह अंचल उत्तप्त एवं शुष्क, तेणु एठार खजुरी और कैक्टस भाया कंटा जितिय उद्भिद देखा जाए। वर्तमान आम आर्द्रभूमिज उद्भिद विषय जाणी। आर्द्रभूमि अंचल जलर परिमाण अधिक न थाए बा जल अभाव न थाए। यही अंचल धान, मुग, बिरी, आंब, नड़िया इत्यादि उद्भिद देखा जाती। यहाँ आम जलज उद्भिद विषय जाणी। पोखरी, गाड़िया, ह्रद, नदी एगुड़ाक सब जलीय परिस्थानर उदाहरण। यठार पद्म, कई, सोल और चिंगुड़िया दल इत्यादि उद्भिद देखा जाती। परिस्थान अनुसार उद्भिद मानक परे प्राणी मानक तीन भाग भक्त करता स्थलचर प्राणी, जलचर प्राणी आ उभयचर प्राणी। वर्तमान आम स्थलचर प्राणी मानक विषय जाणी। जंगल, मरुभूमि, तृणभूमि, पार्वत्यांचल और मेरु अंचल स्थलचर प्राणी मैंने बसवास करती। बाघ, सिंह, भालु, ठेकुआ, हरिण एम सब जंगल बसवास करती। ओट, झिंक, मूषा, साप इत्यादि मरुभूमि बास करती। हरिण, ठेकुआ, जेब्रा, जिराफ एम सब तृणभूमि अंचल बसवास करती। बल्गा हरिण, पेंगुइन, चमरी गाई एगुड़ा सब बरफावृत मेरु अंचल बसवास करती। वर्तमान आम जलचर प्राणी मान विषय जाणी। नदी, ह्रद, पोखरी, झरणा और समुद्र रे जलचर प्राणी मैंने बसवास करते। नदी, ह्रद, झरणा और पोखरी इत्यादि मधुर जल रे चिंगुड़ी, माछ, बत्तक, हंस इत्यादि जलचर प्राणी मैंने बसवास करते। समुद्रर लवणाक्त जल रे तिमी, सील, सार्क, ऑक्टोपस, स्टारफिश, जेलीफिश, समुद्र घोटक इत्यादि प्राणी मैंने बसवास करते। जो प्राणी मैंने उभय जल और स्थल भाग में बसवास करभयचर प्राणी कहुए, यथा बेंग, सालबेंडर, आम्फ्यूमा इत्यादि। पिलामाने वर्तमान आमे जीव और सेमानकर उपयोजन विषय जाणी। तेल ये उपयोजन टी कौन? जीव माने जो स्थान रे रहंती सही स्थानर परिवेश सहित निजको खाप खुआई चली था, अर्थात सही स्थानर तापमात्रा, आलोक, उत्ताप, मृत्तिका, जल और वायु सहित एवं अन्य जीव मानक सहित खाप खुआई चली था। यह उपयोजन कहुए। यह सेमानक शरीरर केतक विशेष गुण जो संभवपर होइथाय। उदाहरण स्वरूप माछ, तिमि, सील, पद्म, कई इत्यादि जलचर प्राणी और उद्भिद भाव में निजक खाप खुआई बंची थांती। काऊ, बादुड़ी, पारा इत्यादि वायव्य परिस्थान रे निजक खाप खुआई चली थांती। ओट, विभिन्न प्रकार कीटपतंग, सप्तफेणी जातीय उद्भिद एवं खजुरी गछ इत्यादि मरुभूमि उपयोजन कर रही था। वर्तमान आम जलज उद्भिद और प्राणी मैंने किपर जलीय परिस्थान उपयोजन कर चली था से विषय आम जाणी। आम जाणीजे चिंगुड़िया दल, पद्म, कई इत्यादि पोखरी और गाड़िया था।
भासमान अवस्था थांती आहु केतक उद्भिद अछंदी मध्य पानी रे बुड़ी करके रही थांती ताले ए जो पद्म कय चिंगुड़िया दल एम जो भासमान अवस्था रहंती यार कारण कौन ना एम कांड रे असंख्य वायु कोठरी थाए जहाँकि पानी रे भासवापी साहय करें जल में बसवास कर प्राणी मान को आम जलचर प्राणी बोली कही था जल बसवास करने से शरीर में केतक विशेष गुण थाए उदाहरण स्वरूप मछर काति ताहाकु जल निरोध करें मछर आगपट और पछपट सरु होइथारु जलर प्रतिरोधक से अतिक्रम कर जाए माछर देहरे थिबा डेणा बा पक्ष ताहाकु पहरिवार साहाज्य करिथाए एवं लांज दिग परिवर्तन करिवार साहाज्य करिथाए मुख्यतः माछ तार गालिसी साहाज्यरे श्वासक्रिया करिथाए जलरे थिबा द्रवीभूत अम्लजानकु गालिसी साहाज्यरे से श्वासक्रियारे ग्रहण करिथाए मरुभूमिरे बास करुथिबा सिजु सप्तफेणी नागफेणी खजूरी इत्यादि उद्भिद मानक मरुज उद्भिद कहुए यह मरुभूमि उद्भिद मानक जल संरक्षण आवश्यकता रही तेणु एठार जलर परिमाण कम थी मरुज उद्भिद मानक पत्र गुड़िक कंटार रूपातरित होता है जल को साइति रखापी यार कांड मांसल होता है पत्र गुड़िक कंटार परिणत हो उच्छेदन प्रक्रिय खूब कम परिमाण जलवाष्प वायुमंडल को छाड़ी था ओट हूँ एक मरुज प्राणी ओटर चर्म से स्वेदग्रंथि आदौ न थाए यार नाकपोड़े लोम आपको धूलि बाली रक्षा करे यार खुरा विहीन मांसल गोटाणिया पाद उत्तप्त बाली चलने साहय कै ओट एकावे अधिक परिमाण जल पी पाकस्थल गोटे स्वतंत्र थली रे साहित्य रखे जहाँकि जल अभाव समय साहय करता पीठी कुजरे चर्बीजात खाद्य साहित्य रखे जहाँकि खाद्य हवा समय साहय कै आउ कौन करें ना ओट तार मलमूत्र खूब कम परिमाण जल क्षय करें मूषा साप गोधी एंडुआ भली प्राणी मैंने खरारू रक्षा पायापी बाली रे गात करके रहंती वर्तमान आम लता जितिय उद्भिद मानक उपयोजन विषय आस जाणी कखारू काकुड़ी आ कलरा यही लता जितिय उद्भिद मानक कांड दुर्बल होने अंर सहायत बढ़ी था तेणु एम कांड आकर्षण गुड़िक थाए यहपरी भाव में जीव मैंने निजर परिस्थान और परेश सहित तो खाप खुआई चली था व्यतिक्रम घटे परेशर भारसाम्य नष्ट होता है परेशर सतुलन विपर्यस्त हेल्ला यार कुप्रभाव उद्भिद और प्राणी मानक भोग करने को पड़ा।